Hey guys, welcome back to my channel. कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज ये संडे और हम लोग जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से। हम लोग जा रहे हैं किसी से मिलने। किसे मिलने जा रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। अगर वो मिलती हैं तो ठीक है, मैंने उनको बहुत मेल्स भी किए हैं, मैसेजेस किए हैं, बट रिप्लाई नहीं आया है। तो हम लोगों को उनकी सोसाइटी जाना पड़ रहा है, उनसे मिलना है, हम लोगों को काम है। तो अभी जाते हैं, निकलते हैं। अगर वो मिल जाती हैं तो मैं आपको बताऊंगी, जैसा जैसा होगा आगे आगे ब्लॉग्स में आपको पता चलता रहेगा। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ अब कि हम लोग कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, किसको बात किससे बात करने गए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो हम लोग गए थे सबा इब्राहिम के घर और उनसे बात करने, लेकिन वो बिजी थी तो हम लोग की बात उनसे नहीं हो पाई। पर उनके खालू मिले थे हमें और उनके हस्बैंड से हमारी फ़ोन पे बात हुई, तो जिनका नाम है खालिद, उनसे हमारी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि वो अभी बिजी हैं। हम लोग को काम था एक्चुअली 2nd of July को, लेकिन उन्होंने बोला या तो आप 2nd of July से पहले ये कर लीजिए, जो भी मैं जिस काम के लिए गई थी वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, तो या आप 5th की बात करिए। 5th के बाद हम नहीं कर सकते हैं वो काम क्योंकि मुहर्रम शुरू हो जाएगा, और 2nd से पहले भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अवेलेबल नहीं हैं। तो दोनों जगह पे हम दोनों यू नो फंस गए, वो भी नहीं आ पाएंगी, मैं भी बिजी हूँ। खैर मैंने उनको यू नो बोल दिया है, हमारी जो भी बात हुई है, और उनसे मैंने ये भी बोला है कि जब मैं आपको बाद में हमें जब भी कभी आपकी ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर हमारे पास यू नो आइएगा। हमारा टाइम का थोड़ा सा इशू फंस रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे। रिजा हमारे सामने से गई थी, रेहान हमारे सामने से बस निकला था, कहीं जा रहा था वो। तो उनके खालू बहुत अच्छे, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उनके हस्बैंड से फ़ोन पे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने सब बताया हमें कि वो एक्चुअली सो रही थी, उसके बाद वो थोड़ा बिजी हो गई, मैं भी वो कहीं बिजी हो गई होंगी, तो अच्छा लगा उन लोगों से बात करके। इंशाल्लाह हम उनसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे। जा रही हूँ खाना खाने, मज़े को खाना दूँगी, अशर सो गया है, अब खाना खाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आज है फादर्स डे और अभी हम लोग सो के उठे हैं, 7 बज रहा है। तो मैंने ना अभी मज़र के लिए ऑर्डर किया है केक। सो गाइस मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ कि मज़र ना सुन ले। मैंने मज़र के लिए मंगवाया है चॉकलेट, क्या मंगवाया, मैंने मज़र के लिए मंगवाया है बार केक। मेरे मज़र को पता नहीं है, मैंने उनके लिए चुपके से मंगवाया है। अभी देखते हैं मज़र का क्या रिएक्शन होता है। केक मंगाया है, आप भी तो फादर हैं तो हमने आप ये मंगाया जा रहे है। ज़्यादा आइए ये हमने डेकोरेट किया है, कैसा लगा? ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने बना लिया है सालन और सेवई। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाल कलर कराने, तो मेरा अपॉइंटमेंट 12 बज गया था और 2 बज गया है। खाने के लिए हमने मंगा लिया है रोल्स वगैरह, तो वो खा के बस मैं निकलती हूँ, नहा लूँ, फटाफट निकलती हूँ, बाल कलर कराती हूँ और डायरेक्टली आपसे सलून में मिलती हूँ। टकली लग रही हूँ मैं टकली लग रही। तो ये है मेरा गोल्डन कलर और अब जो आप कलर देखेंगे
वो मेरा फाइनल लुक है। ये मेरा ब्लॉन्ड है, प्री वाइटनिंग मैंने कराई थी, फिर मैंने गोल्ड कलर कराया था, अब मैं जो कलर कराने जा रही हूँ वो मेरा फाइनल कलर होगा। मेरा फाइनल लुक और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऊपर थोड़ा सा डार्क शेड रखा है और नीचे पूरा ब्लॉन्ड है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं अभी आपको बाल खोल के दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। घर में भी सबको बहुत अच्छा लगा। तो अगर मैं आपको अपने हेयर कलर की बात बताऊं कि क्या हो रहा था इतने टाइम से, मतलब इतनी देर लग गई, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे बालों में ना रेड कलर था और उसको काटना था, तो मुझे प्री लाइटनिंग लेनी पड़ी। पहले मेरे बालों को ब्लॉन्ड किया गया पूरा, उसके बाद उस कलर को काटा गया, देन मेरे ये वाला कलर चढ़ा है, मैंने गोल्डन कलर कराया। और पहले मैंने गोल्डन करा लिया था लाइट, तो वो बहुत ज़्यादा ही लग रहा था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्राउन शेड और गोल्डन मिक्स करा के कराया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये मेरा फाइनल लुक है, अभी आपको खोल के दिखाऊंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सारे कपड़े नीचे अभी साइड में रखे हुए हैं सारे कपड़े, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही हूँ और आगे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। प्लीज़, मैं ये सारी पैकिंग कर रही हूँ। ये मैं मज़र की शर्ट लेकर आई थी, वहाँ कहाँ से लाई थी, मैक से। और ये मम्मी पापा सबका सामान है, ये मेरा ब्लाउज़ है, सूट है, ये सारी पैकिंग हो रही है मेरी। ये इसका वज़न बहुत हो जाता है, गिरने लगती है। ये काम करो तुम, ये बड़ा पैकिंग बहुत सारी हो गई थी, लेकिन व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, बस निकल रहे हैं, 6 बज रहा है सुबह का, तो वो भी बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ आगे। फ्लाइट है हमारी 8:30 की, शायद फ्लाइट है 8:30 की, तो बस हम लोग निकल रहे हैं। बारिश बहुत हो रही है यहाँ पर, कैब हमारी आ गई है, सो मैं मिलती हूँ आपसे एयरपोर्ट पर। फ्लाइट में और बस अभी हम जा रहे हैं लखनऊ।